नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पा रही है। अक्सर विवादों में रहने वाली खंड विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्य की स्वीकृति के नाम पर ग्राम प्रधान से 66,000 घूस लेने का एक ऑडियो सामने आया है। विकासखंड में चल रहे इस घूसखोरी के रैकेट में ब्लॉक का टीए और बीडीओ का ड्राइवर भी शामिल है। वहीं मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली है। मामला अम्बेडकर नगर के बसखारी ब्लॉक के ग्राम हुसैनपुर गिरंट का है, जहां के ग्राम प्रधान रणजीत पासवान का आरोप है कि गांव में पक्का काम कराने के लिए बीडीओ सविता सिंह ने उनसे पहले 1,20,000 रुपए की मांग की थी और बाद में 66,000 रुपए टीए आलोक रंजन के माध्यम से लिए, लेकिन ना तो काम हुआ और ना ही पैसे वापस हुए। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। हाँ। रणजीत पासवान बोल रहे थे मैडम प्रधान। हाँ। मैडम जी, हमारा कमवा आप किए नहीं, पैसा हमसे फिर ले लिए वीडियो साहब अस्कारी। अब आप आलोक से बात करें प्रधान जी, तो हम तो आपका एफपीओ वगैरह बना ही दिए थे। तो वो कहते एफपीओ तो आप कहते हम करवाए थे, हम नहीं जानते ले लिए। आप आलोक से बात करिए, आलोक से है। आलोक रंजन से मैडम जी बात किए रहे तो कहेंगे आप मैडम जी से बतिया भैया हम क्या कर। अभी हम आलोक से बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक मैडम जी, बतिया लिया जब 66,000 दिए थे मैडम जी। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है प्रधान जी? सर सब आशीर्वाद है। क्या हो रहा है? कलिया मैडम जी के लगा फोन करे रहे वीडियो के, तो उनसे बताए साहब तो पैसों कहे हम कहीं 66,000 रुपया दिए मैडम जी, तो कहें आपका आलोक रंजन जी से बात करिए। हम कहें आलोक रंजन जी से हम क्या बात करें, जी साहब से बात किए थे, कहते कि हम मतलब क्या जाने भाई, मैडम जी जाने, तो आप कह रहे हैं कि आलोक रंजन जी, मैंने कहें उनसे बात कर लीजिए, हमसे मत बात करिए, उनसे बात कर लीजिए। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। हाँ। रणजीत पासवान बोल रहे थे मैडम प्रधान। हाँ हाँ। मैडम जी, हमारा कमवा आप किए नहीं, पैसा हमसे फिर ले लिए वीडियो साहब अस्कारी। अब आप आलोक से बात करें प्रधान जी, तो हम तो आपका एफपीओ वगैरह बना ही दिए थे। तो वो कहते एफपीओ तो आप कहते हम करवाए थे, हम नहीं जानते ले लिए। आप आलोक से बात करिए, आलोक से है। आलोक रंजन से मैडम जी बात किए रहे तो कहें आप मैडम जी से बतिया भैया हम क्या कर। अभी हम आलोक से बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक मैडम जी, बतिया लिया जब 66,000 दिए थे मैडम जी। ठीक। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है प्रधान जी? सर सब आशीर्वाद है। क्या हो रहा है? कलिया मैडम जी के लगा फोन करे रहे वीडियो के, तो उनसे बताए साहब तो पैसों कहे हम कहें 66,000 रुपया दिए मैडम जी, तो कहें आपका आलोक रंजन जी से बात करिए। हम कहें आलोक रंजन जी से हम क्या बात करें, जी साहब से बात किए थे, कहते कि हम मतलब क्या जाने भाई, मैडम जी जाने, तो आप कह रहे हैं कि आलोक रंजन जी, मैंने कहे उनसे बात कर लीजिए, हमसे मत बात करिए, उनसे बात कर लीजिए। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्ते। हाँ। रणजीत पासवान बोल रहे थे मैडम प्रधान। हाँ हाँ। मैडम जी, हमारा कमवा आप किए नहीं, पैसा हमसे फिर ले लिए वीडियो साहब अस्कारी। अब आप आलोक से बात करें प्रधान जी, तो हम तो आपका एफपीओ वगैरह बना ही दिए थे। तो वो कहते एफपीओ तो आप कहते हम करवाए थे, हम नहीं जानते ले लिए। आप आलोक से बात करिए, आलोक से है। आलोक रंजन से मैडम जी बात किए रहे तो कहें आप मैडम जी से बतिया भैया हम क्या कर। अभी हम आलोक से बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक मैडम जी, बतिया लिया जब 66,000 दिए थे मैडम जी। ठीक। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है प्रधान जी? सर सब आशीर्वाद है। क्या हो रहा है? कलिया मैडम जी के लगा फोन करे रहे वीडियो के, तो उनसे बताए साहब तो पैसों कहे हम कहें 66,000 रुपया दिए मैडम जी, तो कहें आपका
आलोक रंजन जी से बात करिए। हम कह आलोक रंजन जी से हम क्या बात करें, जी साहब से बात किए थे, कहते कि हम मतलब क्या जाने भाई, मैडम जी जाने। तो आप कह रहे हैं कि आलोक रंजन जी, मैंने कहे उनसे बात कर लीजिए, हमसे हमसे मत बात करिए, उनसे बात कर लीजिए। अब ऑडियो में प्रधान साफ तौर पर कह रहा है कि मैडम 66,000 रुपए दिए हैं, जिस पर बीडीओ ने कहा ठीक है। बताया जा रहा है कि टीए आलोक रंजन बीडीओ सविता सिंह का चहेता है, इसी के द्वारा लेन देन का सारा खेल होता है, और यही वजह है कि टांडा ट्रांसफर होने के बाद बीडीओ ने टीए आलोक रंजन का ट्रांसफर भी टांडा में करा लिया। आलोक रंजन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि मेरे सामने पैसा दिया गया है, देखिए। अरे बहुत पेचीदा मामला, स्वीकृति के लिए रहे स्वीकृति के लिए कई दिन, लेकिन उसमें उन्होंने जो भाई का स्वीकृति का पैसा ला, स्वीकृति उन्होंने कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। नहीं हमारे माध्यम से नहीं गया, वो खुद लेके आए थे प्रधान। हाँ हम सामने थे, बस इतना कह सकता हूँ, सामने थे, पैसा दिया जा रहा। लेकिन अब वीडियो साहब को कब पैसा पहुँचा, कैसे पैसा पहुँचा, इसके बारे में हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ ये कहेंगे हमारे सामने आया था पैसा। अरे बहुत पेचीदा मामला, स्वीकृति के लिए रहे स्वीकृति के लिए कई दिन, लेकिन उसमें उन्होंने जो भाई का स्वीकृति का पैसा ला, स्वीकृति उन्होंने कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। नहीं हमारे माध्यम से नहीं गया, वो खुद लेके आए थे प्रधान। हाँ हम सामने थे, बस इतना कह सकता हूँ, सामने थे, पैसा दिया जा रहा। लेकिन अब वीडियो साहब को कब पैसा पहुँचा, कैसे पैसा पहुँचा, इसके बारे में हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ ये कहेंगे हमारे सामने आया था पैसा। तो टीए को साफ तौर पर आपने कहते हुए सुना कि बहुत ही पेचीदा मामला है और पैसे की लेन देन हुई तो हम सामने थे। बता दें कि जिस खंड विकास अधिकारी सविता सिंह से जुड़ा ये ऑडियो सामने आया है, उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। सविता सिंह जब से टांडा में आई हैं, तभी से यहाँ के ग्राम प्रधान वीडियो पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्लॉक में तालाबंदी भी कर चुके हैं। सर हम प्रधान से इससे पहले बखारी ब्लॉक के मारा ग्राम पंचायत हुसैनपुर गिलन से, वहाँ हम हुसैनपुर गिलन के इससे पहले प्रधान थे। मैडम सविता सिंह जी से हमारे यहाँ वीडियो थी बखारी ब्लॉक में। मैडम सविता सिंह से हमारी बात हुई कि हमने कहा कि हमारे ग्राम सभा में कुछ कार्य करना है, खड़ंजाम को पक्की कार करवाना है, स्वीकृत किया जाए मैडम फाइल। तो उन्होंने कहा 1,20,000 रुपया दे दीजिए, हम पक्की मतलब स्वीकृत कर देंगे फाइल आपका। तो 66,000 रुपये मामला तय हुआ। उन्होंने कहा आलोक रंजन चंद्र यादव आलोक रंजन जी से मुलाकात कर लीजिए आप जाके। तो हमने 66,000 रुपया आलोक रंजन जी को दे दिया, काम नहीं हुआ, वो पैसा ले लिए, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और अब जब पैसा मांगते हैं तो कहते हैं चंद्र यादव से मिलिए, आलोक रंजन जी से मिलिए, आलोक रंजन जी से मिलते हैं तो कहते हैं मैडम जी से मिलिए, हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे। तो सरकार लाख दावे कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अक्सर विवादों में रहने वाली खंड विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्य की स्वीकृति के नाम पर ग्राम प्रधान से 66,000 रुपए घूस लेने का एक ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विकास खंड में चल रहे इस घूसखोरी के रैकेट में ब्लॉक का टीए वीडियो का ड्राइवर भी शामिल है। वही मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली है। मामला अम्बेडकर नगर के बसखारी ब्लॉक के ग्राम हुसैनपुर गिरंट का है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आशुराम वर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुराम, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें वीडियो भी शामिल है, टीए भी शामिल है, और यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है उसने आरोप लगाया है कि गांव में काम कराने को लेकर 66,000 रुपए जो है लिए गए हैं, कितनी सच्चाई है, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। जी आपको बता दें, ये जिस ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है ये पिछले जो है 6 महीने पूर्व का मामला है, और ये मौजूदा समय में अभी प्रधान नहीं रहे थे, जब ये मतलब 6 महीना पहले जब पूर्व प्रधान थे उस समय का ये मामला था, लेकिन ये किन्हीं वजहों से अब तक ये दबा रहा, लेकिन अब ये मामला उजागर हुआ है। तो इसमें कहीं कहीं से दोनों लोगों की जो है ये सवाल खड़ा होता है कि ये इतने दिनों बाद कैसे मामला आया, और जिस सड़क को लेकर के बनाने का मामला था वो सड़क भी नहीं बन पाई। उनका कहने का मतलब था जिस सड़क का इसीलिए बनाने के लिए इनको कहा गया था, उन्होंने कहा था हम बना देंगे,
लेकिन पैसे की पुष्टि नहीं हो रही। पैसे के मामले में जो है जो डीए है उनको देने की बात कही, लेकिन इसमें अधिकारी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं कि अभी अभी इसमें देखना यह है कि शासन इसमें क्या संज्ञान लेता, क्या कार्रवाई होती। बिल्कुल आशुराम, ये जो वीडियो बताई जा रही है सविता सिंह, इनका विवादों से जो नाता है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है। और ग्राम के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब से ये आई हैं तभी से ही जो ग्रामीण हैं वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी ये कुछ और आरोप लगा देती हैं, कभी इन पर कोई और आरोप लग जाते हैं। क्या पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई कर रही है? अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? इस मामले में अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये जो है ये खबर जैसे ही निकल के आई एकदम मीडिया में सुर्खियां बन गई हैं। इस मामले को लेकर अभी उस स्तर से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। खासतौर से अब कि पंचायत के कार्यों में काफी हेरा फेरी होती है, काफी जो है इस तरीके की शिकायतें मिलती रहती हैं। उसी तरीके की एक शिकायत ये भी है, लेकिन बस बिल्कुल, लेकिन वीडियो और ऑडियो दोनों सामने आ चुका है, हकीकत क्या है वो भी लगभग पता चल रही है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी कार्रवाई इसमें शासन को इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। शासन इसमें जो है संज्ञान लेने के बाद इसमें उस एसएसपी जो जांच में जो चीजें निकल के आएंगी फिर कभी इसमें कोई कार्रवाई होगी तब अभी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला अम्बेडकर नगर का है जहां पर एक ऑडियो और वीडियो सामने आया है जिसमें वीडियो पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है, वो भी 1000 नहीं 2000 नहीं 66000 का आरोप यहां पर ग्राम प्रधान लगाता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत क्या है वो तो इन ऑडियो में और वीडियो में दिखाई दे रही है, लेकिन अब तक कोई भी इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। वही आगरा से भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने दबंगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी, जिसके चलते आए दिन महिला से बदसलूकी की जा रही है। आरोप है कि दबंग थाना पुलिस की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में थे, जिसकी शिकायत महिला ने कर दी थी। वही मामले में शिकायतकर्ता पर जबरन राजीनामा लिखवाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अब महिला ने वीडियो जारी कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। थाना छत्ता क्षेत्र के पिलीपगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और ये वीडियो है और ये वो महिला है जो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। नमस्ते, मैं तान्या मित्तल, पुत्री श्री मोहन कुमार मित्तल, निवासी 3/18 पीली कोठी, छत्ता थाना वाली गली, छत्ता बाजार, आगरा। मैं आज वीडियो के माध्यम से आप सबको अपनी मुसीबत बताना चाहती हूँ। हमारे घर के सामने सरकारी ज़मीन थी जिस पे सपा के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और 4-4 मंजिल की इमारतें बनाई जा रही हैं। सड़क पे निकलना मुश्किल कर दिया है, हमेशा दबंग ही करते हैं, विरोध करने पे बंदूक और लड़कों को लेके हमें मारने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी जान माल को खतरा है। थाने में रिपोर्ट करने पर इंस्पेक्टर शेर सिंह ने उल्टा हमें डराया धमकाया, मैं और मेरी मम्मी को थाने बुला के बदसलूकी की, 10 लोगों के सामने हमें जलील किया, हमारे से झूठा राजीनामा साइन कराया गया। मेरे घर के नीचे सड़क है, अब वो मेरी सड़क तक पे कब्जा कर रहे हैं, हमारा निकलना घर से मुश्किल हो गया है। इंस्पेक्टर शेर सिंह उनको पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी इस प्रॉब्लम को अपना समझ के हमारा साथ दीजिए, कोई न्यायिक कार्रवाई कीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं थाने जाके आत्मदाह कर लूंगी, अब ये गुंडागर्दी हमसे और नहीं सही जा रही है। आगरा का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जहां पर पुलिस पर ये महिला मिलीभगत का आरोप लगा रही है और कह रही है कि अगर उसको सुरक्षा नहीं दी गई तो वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी और थाने के सामने जाकर ही आत्मदाह कर लेगी। दरअसल ये महिला अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। जानकारी मिली है कि महिला ने दबंगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी, जिसके चलते आए दिन महिला से बदसलूकी की जा रही है। आरोप है कि दबंग थाना पुलिस की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में थे, जिसकी शिकायत महिला ने कर दी थी। वही मामले में शिकायतकर्ता पर जबरन राजीनामा लिखवाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद महिला ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है।
थाना छत्ता क्षेत्र के फिलीपगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं। दरअसल महिला का ये कहना है कि सरकारी जमीन पर जो दबंग थानेदार है उसकी मिलीभगत से दबंग वहां पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसने इसकी शिकायत करवा दी, तो जिसके बाद दबंग इस महिला के साथ बदसलूकी करने लगे, धमकी देने लगे और जबरन राजीनामा भी करवा लिया, लेकिन लगातार वो धमकी दे रहे हैं। ऐसे में महिला, उसका पूरा परिवार परेशान है, उसने अब मदद की गुहार लगाई है वीडियो जारी करके कि अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता जो दबंग है या थानेदार है तो फिर वो आत्मदाह थाने में जाकर कर लेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है इसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये वीडियो तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। हरदोई के अंबेडकर पार्क के पास थे तालाब में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की कवायद अब और तेज हो गई है। इंतजार की घड़ियां भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। प्लांट लगाने के लिए अहमदाबाद से मशीनें पहुंच चुकी हैं। बता दें कि यह पहला तालाब होगा जहां ये प्लांट लगाया जाएगा। यो रविशंकर शुक्ला ने बताया कि प्लांट के लिए अहमदाबाद से टंकी सहित अन्य सामान जिले में पहुंच चुके हैं। इस प्लांट की क्षमता 50 KLD यानी कि 50 किलोलीटर प्रतिदिन की है। उन्होंने बताया कि ये प्लांट प्रतिदिन नालों से आने वाले 50,000 लीटर गंदे पानी को साफ कर सकेगा और फिर उस पानी को तालाब में छोड़ा जाएगा। उद्यान हमारा है श्रीचंद बरादर के सामने, इसको हम लोग जो है ये पहले बहुत ही, आपने देखा होगा कि बहुत ही गंदा सा ये तालाब था, इसका हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और इस सौंदर्यीकरण में जो है हम लोग इसमें एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि पानी जो है अभी हमको या तो ज़मीन से निकाल के इसको भरना पड़ता, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा, क्योंकि नालों का पानी जो है वो वेस्ट होता है, किसी यूज़ में नहीं होता, तो हम लोगों ने इसमें एक ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाया और उसको पानी को हम शोधित करके तालाब में डालेंगे। और उससे लाभ ये होगा कि एक तो आजकल शासन के भी निर्देश है कि भूमि से जो जल दोहन हो रहा है उसको रोका जाए, और साथ ही साथ इसको हम जब शोधित करके डालेंगे तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, रिचार्ज होगी हमारी बॉडी जो है। तो इस तालाब को हम लोग इस तरह से कर रहे हैं और बाकी इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मथुरा के बरसाना में 14 सितंबर को आयोजित होने वाले राधा अष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने देश भर से महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्लान भी तैयार कर लिया है। इसमें 100 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, इसके अलावा जगह जगह 8 स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। बता दें कि बरसाना के जिलाधिकारी नवनीत चहल और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक होटल में मंदिर की सेवायत और गणमान्य लोगों के साथ और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें सभी विभागों को 11 सितंबर तक राधा अष्टमी महोत्सव से जुड़े सभी कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रोडवेज विभाग 100 बसें चलाएगा, स्वास्थ्य विभाग 8 कैंप लगाएगा। इसके साथ ही नगर पंचायतों को साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और बैरियर व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वहीं परिक्रमा मार्ग में लाइटिंग और साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी BDO नंदगांव को सौंप दी गई है। इसके साथ ही BWD विभाग को सड़क किनारे खड़ी झाड़ियों को कटवाने, बरसाना आने के सभी मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मथुरा में राधाष्टमी की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन लगातार विभागों के साथ मीटिंग कर रहा है और मीटिंग करके तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। रोडवेज के द्वारा 100 बसों का संचालन होगा, इसके अलावा जो मेडिकल कैंप हैं वो भी लगाए जाएंगे, भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, तो ऐसे में वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे ताकि वो लोगों को, जो भक्त वहां आ रहे हैं उनको गाइड कर सके, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, तमाम चीजें जो हैं उस पर भी लगातार चर्चा की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वहां पर यात्रियों को या भक्तों को ना हो। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से, बड़ी खबर, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है।
दरअसल एक बार फिर सक्रिय राजनीति में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जा सकती हैं, ऐसी कवायदे जोरों पर हैं। 3 साल से वो उत्तराखंड की राज्यपाल बनी हुई हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से मिल रही है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। तो एक बार फिर से वो सक्रिय राजनीति में जा सकती है। जानकारी मिल रही है कि यूपी से वो चुनाव लड़ सकती हैं। 3 साल से उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड देहरादून से मिल रही है। और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम भेज दिया है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि आने वाले चुनावों में वो चुनाव लड़ सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति के नाम, क्या जानकारी मिल रही है? ये जताया जा रहा है कि आने वाले समय में वो यूपी से चुनाव लड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। और कहा जा सकता है कि ये उम्मीद कई दिनों से लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में वो अपना टिकट मांगने की बात कर रही थी उत्तर प्रदेश से, और ये कहा जा रहा है कि इसी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नहीं थी, राज्यपाल की भूमिका उत्तराखंड में निभा रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये साफ कहा जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बेबी रानी मौर्य एक बार फिर चुनाव के मैदान में उतर सकती है। और इससे पहले भी वो आगरा की मेयर रह चुकी हैं, तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक का अनुभव उनके पास पहले से ही मौजूद था। और अब तो सुभाष, इस तरीके से आगरा की वो मेयर रह चुकी हैं, यही वजह है कि वो यूपी से चुनाव लड़ सकती हैं, उत्तराखंड से नहीं? जी बिल्कुल, मुख्य वजह यह है कि जिस क्षेत्र में आपकी पहचान होती है, जिस क्षेत्र में आपने काम किया होता है, उसी क्षेत्र से हर प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है। और यही वजह थी कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के रूप में वो कार्य कर रही थी, ना कि एक राजनीतिक दल या एक राजनीतिक नेता के तौर पर। तो लेकिन उससे पहले का जो उनका अनुभव था वो उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश में वो एक राजनेता की तरह काम करती हुई नजर आई थी, जन समस्याएं सुनती हुई नजर आती थी। और यही वजह है कि उन्होंने अब उत्तराखंड के राज्यपाल पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। और इसके साथ ही कहा जा सकता है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव लड़ सकती है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार राजनीति में उतर सकती हैं। बिल्कुल सुभाष, देखा जाए तो बीते 3 सालों से वो उत्तराखंड में राज्यपाल थी और काफी बखूबी अपना काम, अपना कर्तव्य जो है उन्होंने निभाया है, और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए वो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वो राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होने जा रही है। अगर बेबी रानी मौर्य की हम बात करें तो इनका राजनीतिक सफर पहले भी बहुत अच्छा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि वो शुरुआत से ही वो भाजपा की एक बड़ी कार्यकर्ता के रूप में उभर कर उत्तर प्रदेश में सामने आई थी। उसके बाद वो आगरा में मेयर पद भी उनके पास रहा था, यानी कहा जा सकता है कि जीत कर वो मेयर बनी थी आगरा की। और कुल मिला के कहा जा सकता है संगठन में उन्होंने बेहतर काम पहले किए हैं, और उत्तराखंड की राजनीति में उनकी एक अच्छी पकड़ रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, उत्तराखंड की वो राज्यपाल भी रही हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका अहम रही है, उत्तर प्रदेश से उन्होंने राजनीति शुरू की और उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति वो करती रही हैं। तो ऐसे में अब वो चाहती हैं कि फिर एक बार वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएं और विधानसभा का चुनाव लड़ें। और कहा जा सकता है यही कारण है कि उन्होंने अपना इस्तीफा उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति के नाम इस्तीफा भेज दिया है। जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से वो राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगी और चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो आगरा की वो मेयर रही हैं कई सालों पहले, और 3 साल से उत्तराखंड में राज्यपाल के पद पर थी और काफी अच्छे से उन्होंने अपना काम किया, कर्तव्य भी निभाया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।